Assalamu alaikum, dear students. Chapter number 3 and our today's topic is importance of vegetation. As you know, dear students, that Pakistan is poor in forest resources because its climate condition is too dry for forest, except in the northern and hilly areas. About 5% of the area of Pakistan is under forest. But for a balanced economy, it should be at least 25% of the total area should be under forest. So present condition is much better as compared with the 1947 and 48. But the low percentage of forest area in Pakistan is due to the climatic conditions of Pakistan and the reckless cutting of the forest in the past and present. These are the main reasons. But the government has taken various measures to increase the forest area, and large areas have been reserved for the forest. So now let's talk about its importance. That the first, I have designed and planned the different headings of your given textbook material over here in this lecture. As you can see over here, that the first one point is based on the north help to prevent soil erosion. That means कि ज़मीन को कटाव से किस तरह से बच सकती है फॉरेस्ट की प्लांटेशन से, फॉरेस्ट उगाने से. The northern mountains receive much rain. आपको पता है कि northern areas जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं. And this rainwater from the mountains come down the slopes with great speed. ये जो पानी बहते हुए ऊपर पहाड़ों से बहुत ही स्पीड के साथ नीचे गिरता है एंड फॉल इन टू द रिवर्स, और इसके बाद वो रिवर्स में जा मिल गिरता है. एंड द ट्रीज ऑन स्लोप्स, और ये जो दरख्त होते हैं इन्हीं चट्टानों पर मौजूद, चेक द स्पीडी वाटर ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ये बैलेंस रखते हैं या उसको रोकते हैं जो स्पीड के साथ पानी बहता है, उसको उसके रास्ते में आ जाते हैं. इस वजह से पानी जो है वो बहुत स्पीड के साथ नहीं आता है, नीचे नहीं गिरता है. दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल एरोजन एंड रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ वाटर. दैट मीन्स कि बहुत स्पीड ना होने की वजह से एक तो ज़मीन कटाव से बच जाती है, और दूसरे पानी का तेज़ बहाव भी जो है वो कम हो जाता है, उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है इन्हीं ट्रीज़ की वजह से. द नेक्स्ट वन पॉइंट इज़ वुड यूज़ एज फ्यूल. एज यू नो दैट वुड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान हैज़ लिमिटेड एनर्जी सोर्सेज ऑफ लाइक गैस एंड ऑयल रिजर्वॉयर्स, बट द वुड ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट मेक अप द डिफिशेंसी ऑफ द कोल. कोयले की कमी को पूरा करती है और ये यूज़ होती है एक ईंधन के तौर पे. द नेक्स्ट वन पॉइंट इज़ यूज़ इन बिल्डिंग्स एंड मेकिंग फर्नीचर. एज यू नो दैट फॉर द मेकिंग ऑफ द टेबल चेयर्स लाइक फर्नीचर एक्सेसरीज एंड द अदर द विंडोज एंड द डोर्स एंड द अदर एक्सेसरीज एज द वुड वर्क इज़ वेरी पॉपुलर. सो दिस यूज़ ऑफ wood is increasing day by day for the making of the buildings and the making of furniture. The next one point is the source of earning foreign exchange. As you know, the sport goods are manufactured of the forest wood. Like the popular city of Pakistan, Sialkot, is very famous for its sport goods. And Pakistan export these sport goods and earn foreign exchange. That means ke Pakistani जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो स्पोर्ट गुड्स हैं, इनको बेचकर बहुत सा ज़रे मुबादला जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हासिल करता है. द फिफ्थ वन पॉइंट इज़ मेक द क्लाइमेट प्लेजेंट. एज यू नो स्टूडेंट्स, दैट फॉरेस्ट मेक द क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया प्लेजेंट. दे रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि दरख्त जो होते हैं वो हम टेम्परेचर की शिद्दत को कम करते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो प्लेजेंट हो जाती हैं. द सिक्स वन पॉइंट इज़ द सोर्स ऑफ रेन. द फॉरेस्ट आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ रेन. दे इंक्रीज द क्वान्टिटी ऑफ वाटर वेपर्स, इंक्रीज द क्वान्टिटी ऑफ मिकदार जो है वाटर वेपर्स की हवा में, उसको इंक्रीज करते हैं, और यही जो इंक्रीज होना है हवा में वाटर वेपर का, ये बारिश बरसाने का सबब बनता है. द नेक्स्ट सेवन्थ पॉइंट इज़ बेस्ड ऑन रूट्स कीप द सॉइल इंटैक्ट, यानी जो जड़ें हैं वो ज़मीन को जकड़ लेती हैं, मिट्टी को जकड़ लेती हैं. दैट मीन्स द रूट ऑफ द ट्रीज कीप द सॉइल इंटैक्ट. दे कंट्रोल द एरोजन ऑफ द सॉइल, वो ज़मीन के कटाव से बचाती हैं. दे होल्ड सॉइल, वो ज़मीन को पकड़ती हैं बाय प्रिवेंटिंग रेन, बारिश को रोकते हुए, फ्रॉम वॉशिंग, के ये ख़त्म ना हो जाए वहाँ से, एंड टेकिंग द फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल
अवे, और ये अपने साथ जो है ये पानी जो बहता हुआ है ये अपने साथ ज़मीन की जरखेज़ सतहों को बहा ना ले जाए। हैंस द फर्टैलिटी ऑफ सॉइल इज़ मेंटेन्ड, और इस तरह क्या होता है कि ज़मीन की फर्टैलिटी जो है वो मेंटेन रहती है, उसकी जरखेज़ी जो है वो कायम रहती है। द एट्थ पॉइंट इज़ अबाउट, ओके, द एट्थ पॉइंट इज़ हेल्प इन स्टोरेज ऑफ वाटर इन डैम्स। हाउ इट हेल्प्स दैट इफ़ देयर आर नो फॉरेस्ट, रिवर्स वॉश अवे विद देम अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सैंड एंड सॉइल। अगर ये दरख्त ना हो तो ये जो बहता हुआ तेज़ी से पानी है ये बहुत सारी मिट्टी को और रेत को अपने साथ बहा ले जाए। दे मे फिल द डैम्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स, और ये जो है ये बहुत स्पीड के साथ फिर मिट्टी और सॉइल जो ये सैंड होगी ये इन डैम्स के अंदर और आर्टिफिशियल जो लेक्स बनाई गई हैं वाटर स्टोरेज के लिए इनको भर देंगे मिट्टी से ही। एज अ रिज़ल्ट, फिर रिज़ल्ट क्या होगा, इज़ द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ वाटर इन द डैम्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स इज़ डिक्रीज्ड एंड लेस क्वान्टिटी ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सो इस तरह से जब डैम्स हमारे मिट्टी और रेत से ही भर जाएंगे तो पानी की स्टोरेज कम हो जाएगी, और ये वही पानी है जो कि हमारी ज़मीनों को भी सैराब करता है और हमारी इंडस्ट्री भी इसी पे बेस्ड है। द नाइन्थ पॉइंट इज़ यूजफुल इन वाटर लॉग्ड एंड सैलिनिटी, दैट मीन्स ट्रीज़ आर वेरी यूजफुल इन वाटर लॉग्ड एंड सैलिनिटी इफेक्टेड एरियाज, कि दरख्त जो हैं वो ऐसे इलाके जो कि सेम और थोर जैसी ज़मीनी बीमारियां जो हैं, ये ज़मीन की बीमारियां हैं जिसके पास ज़मीन की फर्टैलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो इनमें भी ट्रीज़ कैसे हेल्पफुल हैं। द रूट्स ऑफ द ट्रीज़ ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल, यानी पानी ज़मीन से ये ऑब्जर्व करते हैं, एंड दे डिक्रीज द अंडरग्राउंड लेवल ऑफ वाटर, और इस तरह से जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो भी लो हो जाता है। इस तरह से एज ए रिज़ल्ट वाटर लेवल गोज़ डाउन, और जब वाटर लेवल एक बैलेंस पे चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो इस तरह से ज़मीन की ये दोनों बीमारियां जो हैं वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती हैं। द नेक्स्ट वन पॉइंट इज़ हर्ब्स यूज एज मेडिसन्स, एज यू नो दैट हर्ब्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट, दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसन्स, अद्वियात में भी इस्तेमाल होती हैं बहुत सी जड़ी बूटियाँ, हर्ब्स जो हैं जड़ी बूटियाँ बहुत सी मेडिसन्स में यूज़ होती हैं। द इलेवेंथ पॉइंट इज़ अ फॉरेस्ट प्रमोट टूरिज़म, द फॉरेस्ट प्रमोट टूरिज़म, देयर आर मेनी प्लेसेज इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन एरियाज, दैट मीन्स कि बहुत सारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मगरबी जो माउंटेनस रीजन्स हैं, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज, ये बहुत ज़्यादा टूरिज़म को प्रमोट करते हैं अपनी लश ग्रीन और मीडोज़ की वजह से, फील्ड्स की वजह से, ग्रीनरी की वजह से, ब्यूटीफुल सीनरीज की वजह से, एंड देर आर मैनी प्लेसिस ओवर देयर, सो विच आर द वर्थ सीइंग एंड द टूरिस्ट रिजॉर्ट प्लेसेस, और ये देखने से ताल्लुक़ रखती हैं ये सारी चीज़ें। एंड द नेक्स्ट वन पॉइंट इट्स द ट्वेल्थ पॉइंट, नेसेसरी फॉर द वाइल्ड लाइफ, ओके, फॉरेस्ट आर वेरी नेसेसरी फॉर द वाइल्ड लाइफ लाइक बर्ड्स एंड एनिमल्स, दे हैव देयर होम्स, दे यूज देयर दीज फॉरेस्ट एज देयर होम्स, सो फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वाइल्ड लाइफ लाइक बर्ड्स एंड एनिमल्स। द 13th पॉइंट इज प्रोवाइड फ्रूट्स एंड सीड्स, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फ्रूट्स एंड सीड्स, दे ऑल्सो प्रोवाइड फॉर फॉर एनिमल्स, ये जानवरों को चारा भी फ्राहम करते हैं। द 14th पॉइंट इज रोल इन इकॉनमी, व्हाट्स द रोल इन इकॉनमी, फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत सी लकड़ी जो है वो इसी तरह से बाहर एक्सपोर्ट होती है और पाकिस्तान के अपने अंदर भी इस्तेमाल होती है डिफरेंट फील्ड्स में, इसलिए पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करती है। 15th पॉइंट इज़ द फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ लैक्वर एंड सिल्क कोकून इंडस्ट्री, ये हमें लाख और कोकून जो इंडस्ट्री है रेशम साजी जो है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा काम आती हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड अस विद द मशरूम्स हनी एंड गम, इसी तरह से ये मुख्तलिफ किस्म के मशरूम हनी और गम जो है जकून जो है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अहम हैं। द 16th पॉइंट इज़ द रॉ मटीरियल, लाइक द रॉ मटीरियल ऑफ द पेपर एंड द कार्डबोर्ड इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज, दैट मीन्स के हमें अपने पेपर बनाने के लिए, कार्डबोर्ड के लिए, कार्डबोर्ड इंडस्ट्री के लिए हमें रॉ मटीरियल फ्राहम करते हैं हमारे ट्रीज़ या फॉरेस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स टू इंक्रीज द एरिया ऑफ फॉरेस्ट,
Department of Forest is trying hard in this connection. Nurseries are established in all big cities. Plants are available from the nurseries at reasonable prices. And the government has started the Clean and Green Pakistan promotion scheme, so for the better condition in the forest. So dear students, you just have to learn and write introductory paragraph as I have mentioned over here in the starting of the question, and after that you will just mention the 15 points in this question. Thank you so much.